आज मैंने एक चैलेंज लिया है खुद से अपने किसी फॉलोअर का, और एक नहीं है दो तीन इकट्ठे हैं। विश मी ऑल द लक। वह बहुत बढ़िया खेले अभी। आनी कदों मौत है, चार दिन दी बस जिंदगी सा शॉट है। बना जे गदारी वफादारी दंदे ने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कीर्ति मेहरा एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद अनदर वीडियो। देख लिया तो मैंने मेरे लिए बैन होने वाला है ब्लैक कलर। मैंने तो पहले रखा है। धर्मेंद्र जी के लिए हुआ था। धर्मेंद्र नहीं, उसके लिए हुआ था। किशोर नहीं, तो देवानंद के लिए ब्लैक कोट हुआ था। एक देवानंद जी के लिए हुआ था और अब नेक्स्ट मैं हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सारे कुछ इकट्ठे कर लेते हैं, न्यू ईयर भी कर लेते हैं, क्रिसमस भी कर लेते हैं। आज मैंने एक चैलेंज लिया है खुद से कि आज मैं कस्टमर का कलर करूंगी खुद। अब मैं हेयर ड्रेसर की नौकरी खा जाऊंगी। बताओ कर दूं? सारी बात तो ठीक है, तू कर पाएगी? हाँ हाँ, तो कर फिर। आज किसी का कलर ही किया। सन्नी का करते पहले। सन्नी आ गया? सन्नी की पहले क्लास करते। अच्छा हाँ हाँ, बैठ 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 बैठ, कोई काम धंधा मत कर। कैसे आँख में क्या कराया है? पिटाई लगी है फिर से? फिर पिटाई? पहले मैं अपनी ऑल ब्लैक आउटफिट दिखा दूँ गाइस। मैं अपनी जरा वॉक से पहचान गया था गाइस। मैंने आज एक चैलेंज लिया है जो आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा कि सलों पे एक कस्टमर का किसी का कलर मैं खुद करूंगी खुद। और टेस्टिंग जो होगी पहले वो सन्नी पे होगी। मैं खुद करूंगी, इतना विश्वास तो है ना आपको मेरे पे। मुझे क्यों तोड़ा? तो मैं खुद आज एक का कलर करूंगी। मेरे को कलर करने नहीं दे रहे, ए, लास्ट में एक कर देने ना, मेरे को करने दोगे? मैं कर दूं एक काम कर ले। ये जो हमारे स्टाफ को मेरे पे भरोसा ही नहीं है, उसका क्या करूं मैं? दे ही नहीं रहा। और वो बंदी को भी मेरे पे भरोसा नहीं है। ऐसे कर रही हूँ। क्या हुआ? मैं बोला एक को कलर करने के लिए तो मैं कर दूं आपके। पहले तो हमारा स्टाफ ही मेरे कोई जरूरत नहीं। हाँ कर दे। न्यू कस्टमर प्लीज, हमारे यहाँ से कम 1-2 लाख रुपए की मेंबरशिप ले लो। ध्वनि जी एक मेंबरशिप 1 लाख रुपए लो। करोड़ रुपए इंसान है वो। व्लॉग मत बनाने देना, पूरी भसड़ मचा रखी है आपने। डिस्काउंट अभी आएंगे। इतना भी बिकाऊ नहीं हुए। मैंने बोला था इसको कि कीर्ति को बुलाना, मेरे को इम्पोर्टेंट बात करनी है सामने से। सामने से सबसे बड़ी बात कीर्ति मैम, यू हैव टू कम रेगुलर। आपके साथ गुड लगा था, ठीक है? तो हमारे पास अच्छा पैसा आता है। सेकंड बात ये है कि बीइंग एन ओनर ऑफ द सैलून, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मिसिंग है, वो हमें चाहिए, आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा बस मेरे को लगा बोलेंगी बीइंग द ओनर ऑफ द सैलून तुम्हें डेली आना चाहिए। मैंने कहा कट लगाना पड़ेगा। सो गाइस, हमारी एक मीटिंग थी और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि 4-5 दिन से हम लगातार शूट कर रहे थे। और अब मैं जा रही हूँ घर। मैंने गाड़ी भी दे दी है इसको, मेरे बस की नहीं है चलाना। घर जाऊंगी, घर जाके सोऊंगी। जहाँ तक रही कलर करने की बात, कोई मेरे हत्ते नहीं चढ़ा आज। अगली बार मैं पक्का किसी ना किसी का हेयर कलर करूंगी, और अगर हेयर कलर में नहीं माने
तो फिर सीधा हेयर कट कर दूंगी। मैं तो कह रहा हूँ अभी कर सन्नी का। सन्नी का नहीं, अपने किसी फॉलोअर का, अपने किसी सब्सक्राइबर का, अपने किसी ना? हम जा रहे हैं घर, थोड़ा सा आराम करेंगे और अपने अपने घर की जो नींद होती है वो सबसे बेस्ट होती है, वहां पे जाके घर पे सो जाऊंगी। और कम से कम 12 घंटे से पहले जो मैं उठ जाऊं, मेरा नाम ही कीर्ति महारानी फिर। पर ये भी बात है कि 12 घंटे से पहले अगर मैं सो जाऊं तो मेरा नाम कीर्ति नहीं आए, क्योंकि सोना भी थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। कभी कभी मेरे को ऐसी नींद आती है कि भाई अभी मैं सो, मतलब बैठे बैठे ना ऐसे गिर जाऊंगी। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सोना चाहती हूँ पर मैं जान पूछ के सो नहीं रही। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो कार टॉक्स जो है वो आने वाले हैं, लाइंड अप हैं, लाइंड अप हैं, और इस बार फीमेल क्रिएटर्स के साथ हैं। और एक नहीं है, 2-3 इकट्ठे हैं। तो विश मी ऑल द लक गाइस। मैं खास कैसे हुआ सच बुलाना तो फिर तेरे दिल के पास कैसे हुआ, उम्मीदों पे खरा नहीं तो तेरी आस कैसे हुआ, ये इंसानियत है जल्दी ये कोई खास का नहीं। अरे मुबारके भाई मुबारके। वह बहुत बढ़िया खेले अभिषेक, बहुत ही बढ़िया खेले। मतलब सोच लिया था कि ये अब जीत चुका है ये लड़का। काफी लोगों ने किया था, हाँ नहीं जेन्युइनली बहुत अच्छा था पहले स्टार्टिंग में। मैं आपका बेस्ट मोमेंट बताऊं, आपका बेस्ट मोमेंट क्या था? हाँ मेरा प्यार में तो ऐसा होता है ना कि जो बोल रहा है वो मान ही लो, सब दिख नहीं होता है कि जो मेरे खुद के लिए अच्छा है वो मान लो। अच्छा हाँ, जो हमको तसल्ली दे वही ठीक है। मतलब मुझे बहुत टाइम से मेरे माइंड में मेरे को लग गया था। आंटी आई हूँ, ऊपर दे बनवाए ना कमरे के। बहुत दिनों बाद घर आ चुकी हूँ गाइस। नमस्ते आंटी। गाइस मेरे को कोई अडॉप्ट कर लो, मेरे को इस घर में रहना नहीं है और मेरी मम्मी को यहाँ से जाना है, पर इस घर में कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करनी है। जल्दी से अपना नया घर ले लो, विश करो मेरे जल्दी से नया घर आ जाए, क्या पता आने वाला। मेरे फेवरेट छोले। एक हफ्ते के बाद तो आई है, ये वो आई है हमारे घर, क्या बोलते हैं, धर्मशाला में, गेस्ट हाउस में आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गेस्ट हाउस में आई है, खाना पीना खाएंगे चले जाएंगे अपने। तो आप पैसे नहीं लेते हमसे? कहाँ से हैं, गेस्ट हाउस में रह रही है, पैसे भी तो ले रही। आप 1 रुपया ना दो हमको। देखा अभी थोड़ा खुला खुला तो लग रहा है घर। बाय गाइस, चाय पी लूं थोड़ी सी, है ना। एक होता है ना खाना खाने की तमीज, हो घर पे आते ही सारी तमीज खत्म हो जाती है, सारी तमीज। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड आई लव यू गाइस। तब तक हम कौन सी टी है ये? मतलब बहुत सारी टी मिक्स है। Cheers, guys.